हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही भयानक किस्म का है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है डीन जोन्स, जो एक पनौती है पाकिस्तान के लिए। डीन जोन्स ने अभी एक हफ्ता पहले एक बयान दिया अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया में मीडिया को कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो वापस आई है, लेकिन वो ना होने के बराबर, क्योंकि जब प्लेयर्स आते हैं वो होटल में बंद रहते हैं और अपने कमरे में बंद रहते हैं, होटल से बाहर नहीं निकल सकते। और उसने ये भी बोला है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट आने का मतलब है ना, जो प्लेयर्स को एक तरह से जेल में डाल देते, कर्फ्यू में डाल देते, उनकी टाइमिंग होती है, प्लेयर बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। डीन जोन्स भाई, आपकी बात बोलने की ज़रूरत क्या थी, वो भी इस अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि अभी जो श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज हुई उसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के भी बंदे आए, इंग्लैंड के भी बंदे आए, उनने पाकिस्तान की सीरीज को इंश्योर किए कि 2022 में वो अपनी टीम्स पाकिस्तान भेजेंगे। आपको बोलने की क्या जरूरत है यार, आप तो बिल्कुल एक टट्टी और बिल्कुल एक रेल शिप है यार। मैं क्रिकेट का एक दीवाना फैन हूँ, प्लेयर्स ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ बात बोलेगा ना उसको मैं इस तरह बोलूँगा, क्योंकि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ बात क्यों बोली है पागल, तू पाकिस्तान के खाते और पाकिस्तान को ही बात बोलता है। PSL के 4 सीज़न तूने पाकिस्तान को दिए, ठीक है, 4 सीज़न तूने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिए, ठीक है, इस्लामाबाद ने तुझे रिलीज़ किए और तुझे कराची किंग्स ने लिए, तो तू अभी फजूल बातें बोलने लगेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये बातें बोलने नहीं चाहिए यार, तू एक क्रिकेट का लेजेंड है, तूने क्रिकेट खेली है, तेरी भी तू ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें बोलेगा उसको मैं सही रोस्ट करूँगा, उसी तरह उसके खिलाफ बोलूँगा, रोस नहीं खाली उसके बारे में बोर हो कि तू एक रेल शिट है, तू एक नमक हराम है पाकिस्तान के लिए। फिर भी कराची किंग्स वालों ने इस नमक हराम को अपना कोच बनाया है। कराची किंग्स तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम लोग के खिलाफ ही जाके बातें बोल रहे हैं। इसने क्या क्या बातें बोली है कि वो कर्फ्यू टाइम में रहते हैं, वो होटल से बाहर नहीं निकलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट अभी वापस नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के हालात अभी भी ठीक नहीं है यार। तू ये बातें बोलने वाला है कौन, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स आ गई, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, तू कौन सा बड़ा प्लेयर है, तूने टोटल 50 मैच टोटल खेले, गिने चुने टेस्ट मैच और वनडे में लाकर, और तू ये बातें बोल रहा है, तुझे बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, तू कुत्ता है कुत्ता। और ज़्यादा मैं इसको इतना रोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस खिलाफ ज़्यादा बोलने का कुछ है ही नहीं, और ना मैं तब मुँह गंदा करता हूँ ना, क्योंकि मेरा दिमाग कल से शार्ट हुआ, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसने और इसका आर्टिकल देखे कि पाकिस्तान कर्फ्यू ये वो यार, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी सीरीज होस्ट की, ठीक है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 89 होस्ट किया, पाकिस्तान ने 96 वर्ल्ड कप होस्ट किया, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी सीरीज होस्ट की है, पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल से होस्ट की, पाकिस्तान ने 2015 में होस्ट किए जिम्बाब्वे को, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड 11 को होस्ट किया, पाकिस्तान ने श्रीलंका को होस्ट किया, पाकिस्तान ने फिर वेस्ट इंडीज़ को होस्ट किया, अभी पाकिस्तान श्रीलंका को दोबारा होस्ट कर रहे टेस्ट सीरीज़ के लिए। 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है, वो भी अच्छे अच्छे वेन्यू में, इस्लामाबाद में भी खेल चुके हैं हम, अभी रावलपिंडी में हो रहा है, हमने कराची में भी खेली, लाहौर में भी खेली है, और लोग हमें एडमायर करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट आनी चाहिए, लोग अच्छे अच्छे क्रिकेटर एडमायर करते हैं, और अच्छी अच्छी टीमें पाकिस्तान आने वाली है इंशाल्लाह, अभी बांग्लादेश जाएगी और फिर अफ्रीका का भी टूर कन्फर्म होने वाला है। हमारा जो CEO वसीम खान जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से है, वो भी कहते हैं इंशाल्लाह होप सून कि इंग्लैंड में भी टीम भेजेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी टीम भेजेगा। तो डीन जोन्स भाई, आपको ये बातें बोलने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप PSL का पार्ट है, ये ऐसा वैसा पार्ट नहीं है, 5 साल से PSL में है, 4 साल आपको हो गया, 5-6 साल आपका ही है। हमारे मुल्क वाले और हमारी PCB वाले आपको बहुत एडवायर करते हैं, और आप अभी भी पाकिस्तान आ रहे हैं इस कर्फ्यू वाले मुल्क में, दोबारा ड्राफ्ट के लिए आ रहा है, आज ड्राफ्ट है, और ये आज कल लैंड हो गया कराची में, ठीक है, और ये कराची किंग्स के लिए टीम साइन करेगा और प्लेयर्स को ड्राफ्ट में खरीदेगा। यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको क्यों आग लगी हुई, क्योंकि जब मिकी आर्थर को PCB ने रिलीज़ किया था तो डीन जोन्स का नाम आ रहा था और मिस बोला का नाम आ रहा था और मोहसिन हसन खान का नाम आ रहा था, ठीक है, तो PCB वालों ने मिस बोला की जो CV है ना वो एक दिन पहले ही लिया, और उसको हेड कोच, बॉलिंग बैटिंग कंसल्टेंट और चीफ सेलेक्टर बना दिया, तो इसलिए इसको आग लगी हुई, ठीक है। और ऊपर से एक बात ये है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 4 सालों से था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको रिलीज़ करके मिस बोला को अपना हेड कोच बना लिया, क्योंकि मिस बोला जो पिछले साल जो था ना उसकी तरफ से खेला था, पिशावर जर्मी की तरफ से, अब इस्लामाबाद का वो हेड कोच बन गए, इसको इस बात की खाली आ गए, और इस बात पे ही
गलत बयानी कर रहे हैं और फजूल फजूल के स्टेटस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, तो इसको मैं खाली यही कहूँगा कि जिसका खाते हो उसके पीछे सर की बात नहीं करते, और नमक हराम ही नहीं करते, और नमक हलाली थोड़ी करो यार। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी अच्छी बातें बोलो, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, क्रिकेट होनी चाहिए, 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट आ रही है, और हम होपफुली है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज श्रीलंका को इंशाल्लाह वाइट वॉश करेगा, और पाकिस्तान थोड़े पॉइंट्स गेन करके टेस्ट चैम्पियनशिप में थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर आने की उसकी उम्मीद तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी 8वें नंबर पर चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने खाली एक बात शेयर करनी थी कि ये जो नमक हराम है ना, ये नमक हराम ही रहेगा, ऑस्ट्रेलियन जो है ना ऑस्ट्रेलियन कुत्ता, इसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि ये आपके लिए आगे जाकर बहुत खतरे की घंटी बनेगी। और कराची किंग्स को चाहिए कि थोड़ा सोचे और इसको रिलीज़ करके पाकिस्तानी कोच को वो है साइन कर ले, क्योंकि उनके पास अभी बताइए लतीफ़ उसको हेड कोच बना दे, और डीन जोन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली ठेंगा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, हाफिज़।